नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पे। भवानी मंडी में शिविर के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति कराया जागरूक, ग्रामवासियों को दिलवाई शपथ। डग में विधायक का निकाला विजय जुलूस, जगह जगह फूल मालाओं से किया स्वागत। गंगधार में समाज के लोगों ने जताया विरोध, जैन साध्वी के साथ अभद्र व्यवहार का था मामला। बारा में स्विफ्ट चौपहिया वाहन व मोटरसाइकिल की भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौत। पाली में जिला परिषद सभागार में मनाया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जिला प्रशासन व रसद विभाग ने कराया आयोजन। भगवा दहेज को जलाए जाने पर आलोट रहा बंद, व्यापारियों ने बंद का किया समर्थन। सुनेल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का हुआ आयोजन, 19 से 26 दिसंबर तक का किया जा रहा आयोजन। अकलेरा में पूर्व चेयरमैन के निवास पर किया पथराव, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। भवानी मंडी परीक्षा फॉर्म जमा कराने के लिए ई मित्र पर छात्र छात्राओं की लगी रही भीड़, 28 दिसंबर तक जमा होंगे फॉर्म। अब खबरें विस्तार से। राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई धित्य द्वारा 7 दिवसीय शिविर के चतुर्थ दिवस पर गोद लिए गांव मांडवी में ग्रामवासियों को कार्यशाला में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम अधिकारी संदीप कुमार ने सड़क सुरक्षा की कार्यशाला में यातायात नियमों व चिन्हों, बीमा, आरसी, प्रदूषण जांच, सीट बेल्ट, हेलमेट की महत्ता व नियमों की जानकारी से जागरूक किया। हम सभी से शपथ भी दिलवाई कि सभी यातायात के नियमों व निर्देशों की पालना करेंगे। गांव के छोटे बच्चों ने भी शिविर में अपनी सहभागिता दी। झालावाड़ जिले के डग में सोमवार को नवनिर्वाचित विधायक कालूराम मेघवाल का कस्बे में विजय जुलूस निकाला गया, जिसका कस्बे में जगह जगह फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। जुलूस में डग सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार, तूफान सिंह सोलंकी, सूर्यप्रकाश शर्मा, प्रेम प्रेमी सहित कई पदाधिकारी साथ थे। जुलूस कस्बे के प्रमुख मार्गो से होकर निकला, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं ग्रामीण साथ थे। बारा स्विफ्ट चौपहिया वाहन व मोटरसाइकिल की भिड़ंत, दोनों की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत, 3 जने गंभीर घायल। तीनों गंभीर घायलों को बारा जिला चिकित्सालय के लिए किया रेफर। मोटरसाइकिल सवार मृतक युवक बताया जा रहा है मुंडला निवासी। अट्रू पुलिस मौके पर पहुंची। झालावाड़ जिले के गंगधार चौमेला के जैन समाज द्वारा मध्य प्रदेश के बड़ौदा में जैन साध्वी श्री सौम्य वंदना श्री जी के साथ एक ऑटो चालक द्वारा विहार के दौरान किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर समाज के लोगों ने विरोध जताया। साथ ही जैन समाज गंगधार चौमेला के द्वारा SDM गंगधार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। पाली राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सोमवार को जिला प्रशासन व रसद विभाग की ओर से जिला परिषद सभागार में मनाया गया। इस पूरे आयोजन की खास बात यह रही कि रसद विभाग की उदासीनता के चलते केवल स्कूली बच्चों के साथ कार्यक्रम को लेकर खाना पूर्ति कर दी गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को लेकर जिला स्तर पर मनाने के रसद विभाग की ओर से दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से स्कूली बच्चों और राशन विक्रेताओं को बुलाकर इस पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम की औपचारिक रस्म पूरी गई, इसमें प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि रसद विभाग ने आम उपभोक्ताओं के बीच में जाकर यह कार्यक्रम मनाने के दावे किए थे। जिला परिषद सभागार में आयोजन किए उपभोक्ता दिवस स्कूली बच्चों को जागो ग्राहक जागो के तहत
कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस मौके पर रसद अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। इसलिए अटक गए, शुद्ध का युद्ध, इसके लिए हम अटक गए। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा झालावाड़ के आदेशानुसार ब्लॉक सुनेल में 8 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण के आयोजन दिनांक 19/12/18 से 26/12/18 तक किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ब्लॉक के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की महिला शिक्षक भाग ले रही है। इस प्रशिक्षण में बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण निम्न दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। आराम से, सावधान, मोक्षण, समन्वय, टोली आराम से, टोली अलर्ट, राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन, अपर पंच, मिडिल पंच, लोअर पंच, मिडिल पंच, टोली लेफ्ट फॉरवर्ड, टोली राइट फॉरवर्ड, बस इतना ही और करते हैं। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में समाज कंटकों ने सालपुरा रोड स्थित पूर्व चेयरमैन महेंद्र नागर के निवास पर शाम को पथराव किया। इससे भवन के कांच क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक असनावर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं पिछले सप्ताह मुख्य बाजार में हुई तोड़फोड़ की घटना के चलते क्षेत्र में अफवाहों का दौर दिन भर जारी रहा। अकलेरा सीआई ने बताया कि क्षेत्र में जाप्ता तैनात है, कुछ दुकानदारों के चलते दुकानें बंद करने लगे तो उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कस्बे में झालावाड़ एवं आसपास के थानों में जाप्ता बुलाकर लगा रखा है। पुलिस प्रशासन कस्बे में शांति व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। वहीं पूर्व चेयरमैन ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं व्यापार संघ व्यापारी सहित कस्बे वासियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठने लगे हैं। आलोट गत 20 दिसंबर को आलोट नगर में भगवा ध्वज को जलाए जाने पर शनिवार को बड़ौदा में जैन साध्वी के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में आज हिंदू संगठनों के आह्वान पर आलोट बंद रखा गया है, जिसके चलते सुबह से ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता नगर में बंद करवाने के लिए निकल चुके हैं। व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया है। दिनांक 21/12/2018 के दिन सुबह किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा भगवा ध्वज को जलाया गया है। इस संबंध में आज आलोट बंद है और बड़ौदा की भी एक घटना हुई है जिसमें जैन साध्वी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में आज ये आलोट पूर्णतः बंद है। पुलिस ने अब आज दिनांक तक भी किसी घटना क्रम के संबंध में किन आरोपियों को पकड़ा है, न तो उनका नाम पता आज तक हमको बताया है, न ही कोई जानकारी संबंध में दी है कि पुलिस ने आज तक क्या कार्रवाई करी। भवानी मंडी महाविद्यालय स्त्री परीक्षा फॉर्म जमा कराने के लिए ई मित्र केंद्रों पर छात्र छात्राओं की भीड़ जमा हो रही है, जिससे छात्रों को दुकानों पर लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। गौरतलब है कि 19 दिसंबर से परीक्षा फॉर्म जमा करना शुरू है जो 28 दिसंबर तक जमा होंगे। इस बीच बैंकों में 21, 22, 23 को अवकाश रहा। सोमवार को बैंक अवश्य खुले,
लेकिन आगामी 25 व 26 दिसंबर को बैंक फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद 27 व 28 दिसंबर दो दिन मिलेंगे जिसमें छात्रों को बैंक या फिर ई मित्र केंद्रों पर परीक्षा राशि जमा करानी होगी। वहीं ई मित्र संचालकों ने बताया कि बैंक बंद होने से कई बार बैंकों में ऑनलाइन रुपए जमा कराने की व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहीं रुपए भी खत्म हो जाते हैं, जिससे ई मित्र संचालकों के साथ परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने परीक्षा फॉर्म जमा कराने की तिथि बढ़ाने की मांग की। सर आपका नाम? पवन कुमार, प्रजापत, गांव करावन। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? जी प्राइड से रेगुलर से प्राइड के फॉर्म भरने हैं तो परेशानी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और क्या दिक्कत है? जी आपका नाम? कविता ही। और कौन से कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो? बिरला कॉलेज। और क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें रेगुलर से प्राइड फॉर्म भरने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमारी समस्याओं को की कोशिश की जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है, गांव करावन है। मैं फाइनल में पढ़ता हूँ लेकिन मैं रेगुलर था, लेकिन किसी कारणवश मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ, इस वजह से मेरा प्राइवेट फॉर्म नहीं डल रहा है। तो पंचायत की समस्या का सुझान कराया, मेरे को दो चार दिन रेगुलर होते हो गए आते जाते, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी समस्या का हल करें और हमारा फॉर्म भरने में कुछ हेल्प करें। भवानी मंडी अ श्रेणी कृषि उपज मंडी में सोमवार को मेहंदी पत्ता की करीब 1500 बोरे आवक के चलते 500 रुपये प्रति क्विंटल भाव टूट गए, जिससे सोमवार को मंडी में पहुंचे मेहंदी उत्पादक किसानों को भाव ने निराश किया। सोयाबीन 3200 से 3260, मेहंदी 7500 से 8000, धनिया 5100 से 5800, उड़द 3000 से 4000, मसूर 3600 से 3850, चना 3800 से 4000, मक्का 1550 से 1750, गेहूं 1900 से 1920, मेथी 2700 से 3300, कलौंजी 8000 से 8500, सरसों 3550 से 3650 व अलसी 3800 से 3850 प्रति क्विंटल भाव रहे। आज खबरों में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ।